Hanji, very, very good afternoon to everyone. Good afternoon. कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? ठीक ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चलो बहुत अच्छे हैं. तभी आज बुक्स निकाल लो बेटे, सब खाने पीने पे ध्यान है, फुल ऑन वाला. चलिए हम लोग ना आज की क्लास में ट्रेजरी मैनेजमेंट हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, राइट? याद है? जरा इसके अंदर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कराने मुझे, एंड देन देयर आफ्टर विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है जी, डेरिवेटिव्स की थ्योरी आज हम स्टार्ट करेंगे और 5-6 बजे तक पढ़ाएंगे आज. बेटा 2 बजे तक, 2 बजे तक क्लास है, कहीं और है? अच्छा ठीक, लाओ पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट जरा दोबारा निकालेंगे सारे. बेटा मुझे ना इसमें बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं. एक तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 132, पेज 132 पे मिला बच्चे. चलिए पढ़े जरा पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 9. ये दो क्वेश्चंस जो हैं, 9 हमने पढ़ लिया था है पक्का? तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है आपने. कहते हैं डिफाइन द वर्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. हाँ जी, डिफाइन द वर्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट. लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है इन रिलेशन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट? कहते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट में व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी मैनेजमेंट. वैसे तो लिक्विडिटी वर्ड अपने आप में इंडिकेट करता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कैश रिसोर्सेस. तो आप मुझे बस इतना बता दो कि किसी भी कंपनी की ट्रेजरी को मैनेज करते समय क्या एक मेजर टास्क, क्या उसके कैश रिसोर्सेस को मैनेज करना होता होगा? यहां पर कैश रिसोर्सेस को मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टाइमिंग ऑफ इनफ्लोज आउटफ्लोज को चेक करना. भाई हम देखते हैं कि हमारे पास इनफ्लोज का टाइमिंग क्या है और आउटफ्लोज का टाइमिंग. क्वांटम देखना, टाइम देखना, क्वांटम देखना. और अगर इस टाइम और इस क्वांटम के बीच में कोई गैप्स अवेलेबल हैं, कोई गैप्स आ रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से मेंड किया जाएगा? दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी मैनेजमेंट. पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा. मान लो आना है 10 तारीख को और देना था 8 को, तो क्या इसमें 2 दिन का गैप आ रहा है? तो क्या वो 2 दिन
के लिए फंड्स अरेंजमेंट कहाँ से होगा, क्या ये भी करना पड़ेगा? और नॉर्मली ये पापा भी करते हैं आपके, जैसे आपके पापा को मालूम है कि उनकी सैलरी जो है वो फिक्स है 10 तारीख को आनी है, तो इनफ्लो कब आना है बेटा? 10 को। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी सिचुएशंस भी होती होंगी कि उन्होंने 5 तारीख को कहीं पे कमेटी डाली हुई या चिट डाली हुई है उनको देनी है, या 5 तारीख को आपकी सपोज करो कोई फीस जमा करानी है, तो आप मुझे बताओ क्या वो इसको मैनेज करते होंगे कैसे? भाई या तो वो कुछ इस तरीके से खर्च करें कि 5 तारीख को इवन दो इनफ्लो नहीं आया बट उतना पैसा पड़ा हुआ था, और अगर नहीं था तो वो कहाँ से अरेंज होगा? क्या इसका एक सोर्स भी होना चाहिए जिन्हें वो वापस 10 तारीख को जैसे इनफ्लो आए लौटा सके? तो इसका मतलब क्या पापा इज मैनेजिंग हिज लिक्विडिटी? पापा इज मैनेजिंग हिज लिक्विडिटी, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो एक बार आराम से पढ़ेंगे शब्दों को, लिक्विडिटी मैनेजमेंट को किस तरीके से पहले तो डिफाइन किया गया। क्वेश्चन ये है, डिफाइन करेंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है। कहता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंश्योर करती है राइट अमाउंट ऑफ कैश इज अवेलेबल एट राइट टाइम इन राइट प्लेस इज फर्मली पोजिशनड एज अ पिवोटल टास्क फॉर एवरी ट्रेजरर। देखिए जो पर्सन लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर रहा है, समझ लेना कि उसके लिए इस चीज का श्योरिटी है। क्या श्योरिटी है? कि उसके पास सही समय पर सही जगह पर सही कैश अवेलेबल होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ? लेकिन अगर आप लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर रहे तो फिर ऐसा हो सकता है कि एट द टाइम व्हेन यू नीड मे बी फंड्स आर नॉट अवेलेबल, एट द टाइम व्हेन यू नीडेड फंड्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि सही समय पे सही कैश सही जगह पे होना चाहिए तो क्या उसके लिए आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा? तो वो लाइन दोबारा पढ़ेंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता क्या है? वो कहता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जो एंश्योर करेगा आपको। क्या एंश्योर करेगा? आराम से पढ़ो, कि राइट अमाउंट ऑफ कैश इज अवेलेबल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस इन फर्मली पोजिशन इज फर्मली पोजिशन एज अ पिवोटल टास्क फॉर एवरी ट्रेजरर। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स many treasurer have made substantial progress towards increasing the visibility of their cash flows and centralizing their cash within the countries and regions. However, industry surveys indicate that year on year that liquidity management and particularly cash flow forecasting remains the greatest challenges facing treasurer, with credit more expensive and elusive for many companies. It is now imperative to tackle these challenges effectively. Working capital management of a financial institution या bank or a company is somehow different to that of the other trading units. The process क्या कह रहे हैं, पहले इसको समझते हैं कि what is the main issue now. पहले तो अपना question को मैंने पहले ही बोला कि before going through with the answer we should understand the first of all what is a question. एक बार question को दोबारा पढ़ेंगे and then I am very sure आप जब पढ़ोगे answer तो आप उसके साथ match कर पाओगे. Question ये है define liquidity management. अब आप पहले तो मुझे बताओ किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट है क्या? तो एक तरीका तो ये हम इसको वन लाइन में डिफाइन कर दें, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब टू एंश्योर दैट सही समय पर सही कैश एट राइट प्लेस इज अवेलेबल विद अस, दिस इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। बट अब पॉइंट इज व्हाई वी आर डूइंग सो, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज की डेज में क्रेडिट्स बहुत महंगे हो गए हैं। बताओ क्रेडिट्स बहुत महंगे हो गए, इसके साथ मैं कैसे लिंक करूंगा? जल्दी बताओ, क्योंकि क्रेडिट्स महंगे हो गए हैं और अगर सही समय पर सही कैश अवेलेबल नहीं है तो क्या वी हैव टू रिलाई ऑन दोस क्रेडिट्स? एंड व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन दोस क्रेडिट्स तो क्या आप महंगे कॉस्ट पर क्या उस फंड को बोरो करोगे? तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट फैक्टर राइज कर जाएंगे? बोलो, अगर यही पर्सन लिक्विडिटी मैनेजमेंट करके चलता तो मे बी शायद ऐसी नौबत ही ना आती कि आपको अचानक से इमरजेंसी कहीं से पैसा बोरो करना पड़ रहा है। क्या एवरी टाइम कैश अवेलेबल रहता? और जब एवरी टाइम कैश अवेलेबल रहता तो शायद इस तरह की इमरजेंसी आती नहीं, और अगर आती नहीं तो हम इस तरह से कॉस्टली फाइनेंस को रेज भी नहीं करते। क्या मेरा पॉइंट समझ? तो वो आपको एक इंप्रेशन दे रहा है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट को ध्यान से देखेंगे, यहां से पढ़ेंगे।
with credit more expensive and elusive for many companies, it is now imperative to tackle these challenges effectively. Working capital management of a financial institution, a bank or a company is somehow different to that of the other trading units. The process starts with tapping of the funds at the lower rate in the shape of deposits and borrowings, and ending with the investing the same at the higher rate of return, jo profit out of the business, with margin of small portion of cash in hand kept to for meeting day to day operation. Sir, ye kya keh raha hai? Aapko yaad hoga last Sunday hum log jab pad rahe the treasury management, to maine kaha tha treasury management jo hai na wo micro level pe bhi hai. Aur अच्छा, जब माइक्रो और मैक्रो दोनों की बात करते हैं तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एज ट्रेजरी मैनेजमेंट जब मुझे डिफाइन करना है तो क्या मुझे माइक्रो को भी चूज करना है और अच्छा जब आप मैक्रो की ओर जाओगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स. जब आप माइक्रो पे जाओगे यू आर टॉकिंग अबाउट अरुण सेतिया क्लासेस, यू आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस, कम ऑन. तो क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट में दोनों का मतलब अलग होता होगा? आप मुझे बताएंगे पहले what is liquidity management for banks and financial institution at macro level? Come on, aap bank ke manager ho, for you what is liquidity management? Chalo batao, aapke liye liquidity management kya hoti hogi? Kya borrow karna and lend karna? Ek bank ka kaam kya hai ye batao? Borrow and lending. Bhai uski liquidity management kya yahi tak seemit hai? Borrowing, lending, borrowing, lending, and borrowing definitely at a lower rate and lending at a, क्या यही उसका काम है और इसी में उसने अपना प्रॉफिट्स कमाने हैं? लेकिन आपके और मेरे लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज नॉट बोरोइंग एंड लेंडिंग. फॉर मी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टाइम राइट कैश एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. क्या समझ आ रही है? नहीं. और जब जरूरत हो, फॉर मी दिस इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट. तो वो यही कह रहा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट को जब हम बैंक्स के लिए पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन अलग हो जाता है. और जब हम यही लिक्विडिटी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे फॉर ट्रेडिंग यूनिट्स, क्या उनके लिए मीनिंग अलग हो जाता है? यस प्लीज. तो वो पहले पैराग्राफ में समझाना चाह रहा है, फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पहले फंड्स को टैप करो बाय बोरोइंग एट अ वेरी लोअर कॉस्ट, एंड जैसे फंड्स इकट्ठे हो जाए उन्हें क्या करो? इन्वेस्ट करो या फिर लेंड करो एट अ हायर रेट. बताओ इससे क्या होगा? बोरोइंग एंड लेंडिंग, बोरोइंग एट लोअर कॉस्ट, लेंडिंग एट हाई रेट डेफिनेटली विल गिव यू द प्रॉफिट्स. बोलो. तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल, फॉर बैंक्स, फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर यू. दोबारा पढ़ो. चलो, कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स एंड कंपनीज समहाउ डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर ट्रेडिंग यूनिट्स. द प्रोसेस स्टार्ट विद टैपिंग ऑफ द फंड्स एट अ लोअर रेट इन द शेप ऑफ डिपॉजिट्स बोरोइंग्स एंड एंड अप विद द इन्वेस्टिंग द सेम एट द हायर रेट to earn profit out of the business with a margin of small portion of cash in hand kept to meet day-to-day operation. क्या वो इस borrowing और lending में थोड़ा सा liquidity cash अपने हाथ में रखते हैं क्या? बाकी सारा क्या वो borrow करके lend कर देते होंगे? Right. Efficient account and cash pooling structures are key for efficient and cost-effective liquidity management. Every investment has a cost to the company. Deposits are tapped in the exchange of payment of interest. Borrowings has a cost in the payment of interest to the creditor. So every fund has dividend interest payment risk for the banks and companies. So agar funds tapped are not properly utilized, the bank company should suffer the losses. To ab aap mujhe batao, agar ye borrowing karte jaye aur agar lending na ho to kya inke liye cost aa jayegi? Bolo. अच्छा, अगर ये लेंडिंग करते जाएं विदाउट नोइंग कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, क्या लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है? मुझे बताओ, क्या इन्हें दोनों चीजें इंश्योर करके चलनी है? एवरी टाइम कैश शुड बी अवेलेबल, एवरी टाइम फंड शुड नॉट बी आइडल. क्या दोनों चीज में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा? दिस इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर द बैंक्स. अब आप मुझे बताओ, इसका सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. मुझे बताओ, एवरी टाइम कैश पड़ा रहे क्या CRR इज मेंटेन? रिस्क ज्यादा ना हो क्या SLR इज मेंटेन? क्या ये सारी चीजें लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ही बनाई गई थी? और क्या RBI ने बैंक्स की लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए क्या इस तरह की पॉलिसीज बना दी? उन्होंने कहा, यार देखो, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए दो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी. पहला, इस बोरोइंग और लेंडिंग में फंड आइडल ना हो. दूसरा, इतना भी मत बांट देना कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाए.
और ऐसा भी ना हो कि सेविंग वाला आदमी जब अपने पैसे विड्रॉ करने आए तो आप क्या बोल दो कि कैश नहीं है, क्योंकि हमने तो तुमसे लेकर आगे लोन दे दिया रिलायंस को 20 साल के, तो 20 साल बाद आ जाइए, पॉसिबल नहीं था। तो आप मुझे बताओ फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बैंक के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। लेना देना आइडल नहीं होना चाहिए, नंबर वन। एवरी टाइम डे टू डे पर्पसेस के लिए कैश अवेलेबल होना चाहिए, बोलो। एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर इग्नोर होना चाहिए एंड थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी पर्सन अगर आपसे पैसा मांगे तो इट शुड बी रेडली अवेलेबल विद यू। तो बैंक इन सब चीजों को कैसे टैकल कर रहा है, आई होप सो यू नो दिस। क्या बैंक बोरो कर रहा है एट लोअर रेट, यस और नो? 4%, 5%, 4.5%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच देयर पीपल आर बोरोइंग फ्रॉम यू। दे आर डेफिनेटली गिविंग द लोन्स ऑल्सो एंड लोन्स आर बेसिकली गिवन विद अ वेरी, जो लोअर रेट होता है वो 8.5% होता है। तो 4 और 8.5, 4.5% का मार्जिन तो आ ही रहा है, बोलो। टू रिड्यूस द रिस्क, 25% ऑफ द टोटल कैश रिजर्व्स SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेश, जिसके अंदर पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कहाँ जा रहा है, और समवेयर अराउंड 3-3.5% जो होता है वो उनके पास CRR होता है। तो मुझे बताओ क्या लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए CRR हो गया, रिस्क ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चला गया, एट द सेम टाइम क्या फंड आइडल ना रहे, क्या लेंडिंग भी चल रही है, क्या पॉइंट समझ आए? एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करके रहे वो लिक्विडिटी। लेकिन हमने जितना भी पढ़ा अभी तक, दिस इज एंटायरली फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू एट द मैक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल। आगे बढ़ेंगे जरा। हाँ जी, ऑन द अदर हैंड इफ वी डू नॉट कीप द बैलेंस लिक्विड कैश इन हैंड, वी मे नॉट बी एबल टू पे ऑन डिमांड विड्रॉल्स ऑफ द डिपॉजिटर, क्या समझ आ गया जी, एज वेल एज इंस्टॉलमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन अनटाइमली पेमेंट्स फॉर अदर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, दीज विल lead to over trading position to the companies. So there must be scientific liquidity management policies for the company, banks and financial institution. Proper liquidity management can increase the turnover of the business, can also create additional profits to the companies. Liquidity management has great significance to the modern days of the companies, bankers, institution, etc., because they engage not only in retail business but they also deal in the wholesale banking, etc. Over liquidity on the other hand implies access idle cash balance in hand, so every company would also avoid both the position, matlab liquidity na hona aur liquidity bahut. To agar aap chahte ho ki aisi situation na aaye ki liquidity bilkul bhi na ho, ya aisi situation aaye ki hamare paas liquidity bahut, to kya every time you need to manage your liquidity? So now see, please isko paragraph ko simplified way mein samajhte hain, points kya hai hamare paas agar hum paper mein likhne baith jaye to, theek hai na? Because aapko karna kya hai, मैंने कहा ना, यू नीड टू रिटेन द पॉइंट्स की व्हाट वी नीड टू एक्सप्रेस ओवर देयर, व्हाइल इफ द क्वेश्चन इज डिफाइन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, राइट? सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो दैट यू नो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक क्या है, साइंटिफिक वे जो एंश्योर करेगा, आवाज मारो क्या, सही समय पर सही कैश सही जगह पे एवरी टाइम पोजिशन होगा, बोलो बेटा। अब सवाल ये है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हमें रीजन देना है, व्हाई वी आर डूइंग सो सच थिंग्स। तो उसके लिए रीजन देने के लिए हमने कोई एक एग्जांपल उठा लिया, फॉर एग्जांपल इन द बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या देयर ऑब्जेक्ट इज टू टैप द फंड एंड टू इन्वेस्ट। ड्यूरिंग टैपिंग एंड इन्वेस्टिंग व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, दैट फंड शुड नॉट बी केप्ट आइडल बिकॉज इट हैज सम कॉस्ट विद इट, इट हैज सम कॉस्ट, एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी लेंडेड एंटायरली बिकॉज इट विल बी, there will be a problem of liquidity, there will be a problem of, because jo bhi aadmi demand deposit wala kabhi bhi aakar aapse paisa mangega, and if it is not available then it is going to create a problem for your liquidity. So liquidity management ko fir iska matlab kaise dhyan rakhna hai hame, ki while doing liquidity management we have to ensure ki na to hamari position over liquidity pe ho aur na hi hamari position, we should have adequate cash jiski cost bahut zyada na ho aur wo लिक्विडिटी के भी काम आए और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के भी काम आए। एक्सेस होगा तो खराब है, कम होगा तो भी खराब है, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? सो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट द लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। नहीं करने पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओवर हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, ज्यादा लिक्विडिटी क्या होगा, आइडल फंड पड़ा रहेगा, क्या आइडल फंड की कॉस्ट आएगी, बोलो। तो दैट कॉस्ट जो आपको नुकसान होगा वो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा।
लोअर लिक्विडिटी का कॉन्सिक्वेंस क्या है सर? क्या लोअर लिक्विडिटी का मतलब क्या एवरी टाइम व्हेन एवर अमाउंट इज रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल, ये पैसा अवेलेबल नहीं होगा, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो आपको इसको करने पर ही आप इन सब चीजों को इंश्योर कर सकते हो, क्लियर है? चलिए, अच्छा एक पेपर में ना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा ना चार्ट बना दूंगा, फिर आप इसको पढ़िएगा ना, आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ जाएगा। एक बारी पढ़ना जरा। द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद बोथ माइक्रो एंड मैक्रो फेसेट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकली समझिएगा, कहते हैं कोई भी ट्रेजरी मैनेजर जो होगा ना किसी भी कंपनी का, उसको ना मैक्रो और माइक्रो इन दोनों लेवल पे चेक करना होगा कि किस तरीके से ट्रेजरी को मैनेज किया जाए। यानी कि वो सिर्फ माइक्रो को दिमाग में रखते हुए मैनेज नहीं कर पाएगा ना। व्हाट आई एम ट्राइंग, जा ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताओ हमारी इकॉनमी कैसे चल रही है। चलो ये देखते हैं, देखो हमारी इकॉनमी कैसे चल रही है। हमारी इकॉनमी को चलाने के लिए बैंकर्स आर प्लेइंग मेजर रोल्स, ठीक है ना, दे आर प्लेइंग मेजर रोल्स। कैसे सर? इंडिया में एक है हाउसहोल्ड सेक्टर और एक है बिजनेस सेक्टर, ठीक है ना, ये दो लोग हैं, एक हाउसहोल्ड सेक्टर है आवाज मारो, और एक कौन है, बिजनेस सेक्टर। इस तरीके से ये दो सेक्टर काम कर रहे हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर का काम क्या होता है कि ये डेफिनेटली जो भी पैसा कमाता है, जो भी ये इनकम अर्न करता है, उसका कुछ पोर्शन डेफिनेटली ये खर्च कर देता होगा और कुछ पोर्शन को ये क्या करता है, सेव। और जिसे ये सेव करता है क्या वो उसे इन्वेस्ट कर देता है? बोलो जी, वो उसको क्या कर देता है, इन्वेस्ट। कम ऑन जल्दी बोलो। तो ये पैसा कहीं ना कहीं यहां से रूट होकर क्या बैंक के पास आ गया, तो बैंक ने बोरोइंग करी फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर, फ्रॉम द हाउसहोल्ड। अब जो पैसा बैंक के पास फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर आ रहा था, क्या उसने वापस उसको इन टर्म्स ऑफ लोन किसको दे दिया, बिजनेस सेक्टर। अब बिजनेस सेक्टर के पास पैसा आ गया, क्या जब बिजनेस सेक्टर के पास पैसा आया तो डेफिनेटली क्या इसने न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करी? अच्छा, जब न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करी होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर वर्कर लेबर शेबर सब आए हैं, हमें क्या उन सबको ये अमाउंट पे करेंगे, कभी किसी वेंडर को पे करेंगे, वर्कर्स को पे करेंगे, क्या ये जो पैसा है वापस घूम के क्या धीरे धीरे, वर्कर कौन होते हैं वापस, क्या ये घूम कर वापस इनके पास आया, इनके पास आया, क्या ये मूव करके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये ऐसे चल रहा है। दिस इज इकॉनमी, दिस इज व्हाट हाउ आवर इकॉनमी इज रनिंग राइट नाउ। इसका मतलब क्या जो हमारी इकॉनमी रन कर रही है क्या वो इसी तरीके से कर रही है? क्या ये कहीं ना कहीं इन दोनों सेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बोलो। तो अब इसी चीज को वो दिखाना चाह रहा है कि हाउ डज मैक्रो एंड माइक्रो दोनों लेवल पे जो ट्रेजरी है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, वो दोनों कहीं ना कहीं क्या है। दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बच्चे, जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर कमेंट लिखा होगा ना समझ लेना वो एग्जाम का स्कैनर का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िए जरा मेरे साथ क्या क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद बोथ मैक्रो एंड माइक्रो फेसेट ऑफ द इकॉनमी। द मैक्रो लेवल पे इनफ्लोस आउटफ्लोस ऑफ द कैश क्रेडिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर्स। मैक्रो लेवल पे इस तरह से बात हो रही, these inflows are arranged by them as borrowings from the public. सही बोल रहे हो भाई, वो कह रहा है मैक्रो लेवल पे, जैसे मैक्रो आंख बंद करके देखो मैक्रो में कौन आएगा, रिलायंस या सरकार, आपके दिमाग में कभी कोई कंपनी नहीं आएगी। मैक्रो लेवल की बात हो रही हो तो दिमाग में एकदम से क्या आएगा, इंडिया, नॉट वन यूनिट। जब मैं ट्रेजरी मैनेजमेंट एट मैक्रो लेवल बोलता हूं तो दिमाग में इंडिया आता है, कंट्री आती है, और जब दिमाग में कंट्री आती है तो दिमाग में सरकार आती है। तो इसका मतलब क्या सरकार पूरी ट्रेजरी को मैनेज करने के लिए क्या किसी तरीके से कोई तो काम कर ही रही है?
तो वो कैसे काम कर रही है वो समझाना चाह रहा है। तो सबसे पहले वो क्या कर रही है, बोरोइंग्स। पहले वो क्या कर रही है, ध्यान से देखो, द इनफ्लोज आर अरेंज्ड बाय देम एज बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, द माइक्रो यूनिट यूटिलाइजेस दीज इनफ्लोज एंड बिल्ड अप देयर कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। क्या समझ आ रही है, जो पैसा इन्होंने बोरो किया क्या ये पैसा यूटिलाइज अल्टीमेटली कौन कर रहा है, माइक्रो यूनिट्स कौन कर रहा है। सर मुझे रन करने के लिए क्या पैसा चाहिए था, तो क्या मैंने बैंक से लोन ले लिया, जो भी मैंने लोन लिया क्या मैंने लोन लेकर एक प्रोडक्शन कैपेसिटी तय कर दी, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी तय होने से क्या मेरे पास स्टाफ आया, हायरिंग हुई, क्या जो भी पैसा मैं कमाऊंगा क्या वो वापस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन लोगों को, जब इन लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या पैसा वापस मार्केट में मूव करेगा, क्या वापस बैंकों में पैसा जमा होगा और फिर घूम के वापस आएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ध्यान से देखो यही वो कह रहा है, दीज लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम विद लॉजिकली लीड्स अस टू द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन सिस्टम। याद रखना तीन चीजें हमारी इंडिया में है, कौन कौन सी, प्रोडक्शन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। हमारे द्वारा कौन कौन सा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। याद रखना ये तीन सिस्टम अगर इंडिया में है तभी इंडिया चल रहा है। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी चीज सेटअप की जाएगी, प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, और जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कंजम्पशन किस चीज का। तो प्रोडक्शन को सेटअप करने के लिए क्या पहले उनको फंड चाहिए, फंड कहां से आएगा, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप कैसे उठा रही है, बाय बोरोइंग्स, बाय बोरोइंग्स। तो फंड्स को पहले टैप किया गया, फिर उसको दिया गया किसको, यूनिट्स को, एट माइक्रो लेवल यूनिट्स को, एट यूजिंग दैट फंड क्या उन्होंने प्रोडक्शन सिस्टम तय कर दिया। एक बार ही प्रोडक्शन सिस्टम इंस्टॉल हो गया क्या यहां पर अब प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, बोलो। प्रोडक्शन होते ही क्या इस माल को मार्केट में लाया जाएगा, लेकिन कौन मुझे बताएगा क्या कंजम्पशन करने के लिए भी क्या लोगों के पास पैसा होना चाहिए, तो वो पैसा कैसे सर्कुलेट होगा, पढ़िए जरा। Once the production, distribution and consumption system are in place at micro level, the generation of surpluses at the unit begins. These surpluses are channeled back from the macro system as outflow from the micro system. दोबारा पढ़ना क्या लिखा है? These surpluses are channeled back into the macro system. बताओ जो भी पैसा आएगा, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि रिलायंस पैसा कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, तो वो जो भी पैसा कमा रहा है क्या वो वापस मैक्रो में, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में वापस ले आते हैं भाई। अल्टीमेटली क्या वो किसी ना किसी सेंस में क्या इंडियन इकोनॉमी में वापस आ रहा है, बोलो। लेकिन वो पैसा आ ही नहीं सकता था, वो सरप्लस जनरेट ही नहीं हो सकता था अनलेस उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन सिस्टम तय किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जरा, the inflows are the taxes which are paid to the government and repayments of the loan which are made to the banks and financial institution. These inflows into the micro level have to be managed by the treasury management at the macro level. So what we are doing is dono level actually mein jab bhi is tarah se question aayega na, macro and micro are the two different facets of the economy, to aapne bas dhyan kya rakhna hai ki hum logon ne khali ek unit ki baat nahi karni, humne RBI ki baat nahi karni, हमने इन दोनों को लिंक करके बताना है कि हाउ दीज टू आर बीइंग लिंक्ड टुगेदर, मैक्रो एंड माइक्रो आर लिंक्ड टुगेदर। तो वो लिंक कैसे करना है आपको समझ आ रहे हैं, आपने लिंक कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या शो करना है कि एट मैक्रो लेवल पहले गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, हाँ जी, क्या करने की, फंड्स को अरेंज करवाने की। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस जिम्मेवारी को कैसे पूरा किया, बाय बोरोइंग, बोरोइंग करके क्या उन्होंने लेंडिंग करी, जब लेंडिंग करी तो क्या ये पैसा वापस इंडिया में क्या छोटी छोटी यूनिट्स के पास आ गया, बोलो। जैसे यूनिट्स के पास पैसा आया क्या उनका प्रोडक्शन सिस्टम तय हो गया, एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन सिस्टम तय होने पर दे स्टार्ट जनरेटिंग क्या, सरप्लस। सरप्लस आने के बाद ही क्या वो पैसा वापस अब दोबारा मैक्रो में जाएगा, और वो दोबारा मैक्रो में जाने के लिए क्या इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस जाएगा या इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट जाएगा, कम ऑन। अच्छा जब वापस पैसा मैक्रो में जाएगा तो क्या ये अब पैसा बाकी और यूनिट्स को खड़ा करने के लिए ऑन लैंड किया जाएगा, नहीं समझ रहा। तो यही तो हो रहा है आज इंडिया में, इकॉनमी ऐसी तो चलाई जा रही है। क्या माइक्रो अगर वीक हो जाए, सोचो अगर माइक्रो वीक हो जाए तो क्या मैक्रो विल बी अफेक्टेड, और अगर मैक्रो वीक हो जाए क्या माइक्रो विल बी अफेक्टेड। सर बोथ आर अफेक्टेड टू ईच, व्हाई, बिकॉज़ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मुझे बताओ आज मान लिया जैसे 20 लोग और निकल आए, बताओ बैंकिंग सिस्टम खत्म हमारा। अच्छा मान लिया जैसे 20 लोग और क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनकी खुद की ट्रेजरी वीक है। सर मान लिया जैसा आदमी क्यों बना, क्योंकि शायद उन्होंने लिक्विडिटी को मैनेज नहीं करा, उन्होंने अपनी ट्रेजरी को
तो अगर माइक्रो लेवल पे ट्रेजरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम करती है तो क्या उसका इम्प्लीकेशन मैक्रो पे आएगा ही आएगा। तो कितने सारे बैंकों के साथ बुरा हो रहा है इस समय, आई होप सो यू कैन यू नो द न्यूज एंड ऑल दैट। यस प्लीज, नीरव मोदी लेके भागा, वो लेके भागा, अगर ऐसी 5-7 इंसिडेंट्स और आ जाए क्या हमारे बैंक भी बैंकरप्ट हो जाएंगे? तो जिस चीज पर आज हम गर्व करते हैं क्या वो भी मैक्रो लेवल पे खराब हो जाएगी? सो दिस क्वेश्चन बेसिकली इज नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं नो डाउट हम आइसोलेटेड बात करते हैं, मैक्रो में आरबीआई देखेगा, माइक्रो में वो देखेगा, बट ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ कि हाउ मैक्रो एंड माइक्रो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एन, तो इकोनॉमी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्या समझ आ रही है? नहीं, एक भी अगर टायर खराब हो जाए तो ये गाड़ी गिर जाएगी। क्या समझ आ रही है? आज बैंक्स मना करते हैं हमारे पास लेंडिंग नहीं है, कंपनीज कुछ नहीं कर पाएंगी, कंपनी मना करते हैं हमारे पास रीपेमेंट नहीं है, क्या बैंक बंद कर देगा? तो क्या ये मूवमेंट जो हो रही है मैक्रो टू माइक्रो एंड देन बैक टू मैक्रो, क्या यही एक्चुअल में इकोनॉमी की ट्रेजरी है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन राइट नाउ। समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्कैनर चेक करेंगे प्लीज देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आ चुका है। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों को लिंक करके बताओ हाउ दीज आर द टू डिफरेंट फेसेट ऑफ द इकोनॉमी। क्या समझ आ गया या नहीं? बोलो मेरे बच्चों बोलो। पक्का? यस प्लीज। चलिए अब लिखो जरा।